अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल गपशप विद मी। आज मैंने आप लोगों के लिए एक डाइट सूप रेडी किया है जो ओट्स और मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाया गया है। चलें फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डाइट सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल चाहिए। आप इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, तकरीबन हाफ प्याज है, मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। इसको सौते होने देंगे। 1-2 मिनट प्याज को सौते करने के बाद इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर इसे थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई करेंगे। प्याज लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम ओट्स, क्विक ओट्स, वो शामिल करेंगे 1/2 कप। देखिए इसमें मैं सूप को गाढ़ा करने के लिए ओट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, ना कि मैं कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर या मैदा, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर तो आप डाइट कर रहे हैं और डाइट सूप बना रहे हैं तो उसमें ये क्विक ओट्स आप इस्तेमाल करें सूप को गाढ़ा करने के लिए। अब ओट्स को भी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, ब्राउन वगैरह नहीं करेंगे, बस लाइटली इसको हम फ्राई करेंगे। ओट्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 1/2 मिक्स वेजिटेबल वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इनको आपस में मिक्स करेंगे। सब्जी को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें तकरीबन 3 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि जो ओट्स भी हैं वो गल जाए और जो सब्जी है वो भी गल जाए। पानी डालने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून ओरिगानो शामिल करेंगे, नमक हस्बे जायका, और उसके अलावा 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंतहाई लजीज, इंतहाई सेहतमंद और डाइट के लिए तो परफेक्ट सूप है। और अब इसको ढांक के हम सब्जियां गलने तक और सूप को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लीजिए व्यूवर्स, डाइट सूप आपके लिए बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसमें मैंने कोई ऐसे अलहदा सी चीज़ शामिल नहीं की, सारी मिक्स सब्जियां हैं, ओट्स है, इंतहाई सेहतमंद है, यानी कि आपके लिए एक सेहतमंद डाइट सूप है ये। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इसको किसी ब्राउन ब्रेड या रोटी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने ओट्स पहले से ही शामिल किए हुए हैं, आप इसको ऐसे ही खा सकती हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।